क्या आपको पता है कि वैक्सीन को बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? भारत में इस्तेमाल हो रही दो वैक्सीन में कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं? क्या वैक्सीन में इस्तेमाल किए गए इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं? क्या आप जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन किन किन पदार्थों से मिलकर बन रही है? आखिर इसमें क्या है जो ये कोरोना वायरस के प्रति आपको इम्यून बना सकती है? आइए जानते हैं कोरोना वैक्सीन में डाले गए पदार्थों के बारे में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन नॉलेज प्रोजेक्टर के अनुसार वैक्सीन में ये घटक होते हैं, एल्युमिनियम सॉल्ट जैसे एल्युमिनियम सल्फेट, फॉस्फेट या पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, सिक्वोलिन ऑयल MF59 जो सिर्फ फ्लू की वैक्सीन में इस्तेमाल होता है, थाइमरसॉल मरकरी का एक हानि रहित उत्पाद जिसका अब ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, जेलेटिन, सर्बिटोल, अमल्फायर्स। वैक्सीन में इन्हीं घटकों का इस्तेमाल होता है जो कंपनी और बीमारी के हिसाब से बदलते हैं। वहीं वैज्ञानिक टीके के निर्माण में कुछ अन्य चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे अंडे। अंडे टीके को तैयार करने में मदद करता है। mRNA वैक्सीन से अंडों या दूसरे घटकों की जरूरत नहीं होती, जिसके कारण इनके बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने उन घटकों को पूरी जानकारी नहीं दी है जो टीके में इस्तेमाल की गई हैं। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।